Hello guys, this is Priyanka Yadav and a very big welcome to all of you on this channel. दोस्तों जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने इसके काफ़ी यूज और टाइप पढ़ लिए थे विद बेसिक एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल्स के साथ. आशा करती हूँ दोस्तों आप सबको वो अच्छे से समझ आ गए हो. अगर फिर भी आपको समझ ना आए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कि कहाँ आपको कन्फ्यूजन है, तो मैं आपके सारे कन्फ्यूजन दूर कर दूँगी अपने आने वाले वीडियोज़ में. और जितने भी टाइप्स ख़त्म होते जा रहे हैं दोस्तों उनको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ में हम उन पर कुछ एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कशन करेंगे और आपको कुछ एक्सरसाइज देंगे जो आपको सॉल्व करनी होंगी. तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम चलिए अपने नेक्स्ट यूज को देख लेते हैं. हमारा जो आज का पहला यूज है वो है यूज ऑफ माइट. तो आइए देख लेते हैं इसका प्रयोग कहाँ कहाँ और किन किन कंडीशन में होता है. तो जैसे कि आपको यहाँ दिया गया है कि माइट इज यूज्ड इन पास्ट फॉर्म ऑफ मे, यानी कि जो माइट है वो मे की पास्ट फॉर्म में होता है. यानी कि जहाँ प्रेजेंट की बात चल रही हो, जहाँ वर्तमान की बात चल रही हो, वहाँ पर हम मे का यूज करते हैं, और जहाँ बात पास्ट में आ जाए वहाँ हम माइट का यूज करते हैं. और जो मे है वो प्रेजेंट फॉर्म है और जो माइट है वो प्रेजेंट पास्ट फॉर्म है. यानी कि कहने का मतलब यह है कि मे का यूज हम वहाँ, मे और माइट का यूज हम एक ही जगह करते हैं, बट जहाँ प्रेजेंट की बात हो वहाँ मे का यूज करेंगे और जहाँ पास्ट की बात हो वहाँ माइट का यूज करेंगे. जहाँ जहाँ मे का यूज होगा वहाँ वहाँ माइट का यूज होगा, लेकिन अगर प्रेजेंट की बात होगी तो मे और पास्ट की बात होगी तो माइट. आइए इसकी एक कंडीशन दी गई है वो देख लेते हैं. लेस पॉसिबिलिटी, यानी कि मान के चलिए कोई काम है जिसके होने की 100% पॉसिबिलिटी है, अगर उसमें 80% काम हो जाता है तो हम कहेंगे कि इस कार्य के होने की ज़्यादा संभावना है. लेकिन अगर कोई काम में सिर्फ 20% ही हो सकता है तो हम कहेंगे कि इस काम के होने की कम संभावना है, तो इसे हम कहते हैं लेस पॉसिबिलिटी. आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल दिया गया है इसमें है इट माइट रेन टुडे, यानी कि आज बारिश हो सकती है. यानी कि बहुत कम संभावना है, यानी कि 100 में से 10% संभावना है कि आज बारिश हो सकती है. तो जहाँ भी लेस पॉसिबिलिटी आपको दिखानी हो वहाँ पर हम माइट का यूज करते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट दोस्त यह हम देख लेते हैं हमारा आज का नोट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. आइए पढ़ते हैं इसको. अब तक हम लोगों ने देखा कि पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन, यानी कि ये जो दो कंडीशन है पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन की, इसके भाव को दिखाने के लिए कैन कुड मे माइट, यानी कि चार मोडल्स का यूज करते हैं, कैन का, कुड का, मे का, माइट का. इन दो भावों को दिखाने के लिए इन चार मोडल का यूज करते हैं. आइए आगे पढ़ते हैं. लेकिन कैन मे की अपेक्षा अधिक विनम्रता तथा झिझक के भाव को दिखाने के लिए कुड और माइट का प्रयोग किया जाता है. आइए इसे अच्छे से समझते हैं. हमारी जो दो कंडीशन है पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन, इसके लिए हम चार मॉडल्स का यूज करते हैं, लाइक कैन, कुड, मे, माइट. इन चारों में से ही कोई गलत नहीं है अगर हम ये भाव दिखाना चाहते हैं तो. लेकिन एक बात होती है दोस्तों, मैंने आपको कल भी बताया था कि एक प्रेफरेंस की बात होती है. जैसे कि मान के चलिए कोई चीज़ बहुत अच्छी है, आपको बहुत अच्छी लगी, और कोई चीज़ कम अच्छी है तो आप उसे प्रेफरेंस देंगे जो आपको ज़्यादा अच्छी लगी हो. तो ऐसा ही यहाँ पर कहा गया है कि ये पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन, इन दो कंडीशंस के लिए ये चारों ही मॉडल्स आपके गलत नहीं हैं, बट बेटर सिर्फ दो ही हैं, कुड और माइट, ना कि कैन और मे. तो जब भी आपको पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन की बात करनी हो वहाँ पर आप कुड और माइट का यूज करें, ना कि कैन और मे का. गलत कोई भी नहीं है, आप चारों का यूज कर सकते हैं, बट बेटर आपके कुड एंड माइट ही होंगे. आइए अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं. इसमें दिया गया है कैन से ज़्यादा विनम्रता के भाव को दिखाने के लिए मे का यूज किया जाता है. यानी कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप कैन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जहाँ बात कैन और मे में आए तो आपको वहाँ पर मे का यूज करना होगा. तो दोस्तों जैसा कि आपने देख लिया कि ये था हमारा माइट का यूज. आइए अपने नेक्स्ट यूज पर चलते हैं. तो हमारा जो नेक्स्ट यूज है वो है नीड का, यूज ऑफ नीड. तो आइए इसकी कंडीशन हम देख लेते हैं कि नीड का यूज किन किन कंडीशंस में किया जाता है. इसकी जो पहली कंडीशन है वो ये दी गई है, इट इज़ यूज फॉर एन एक्शन विच इज़ नेसेसरी, यानी कि नीड का प्रयोग वहाँ किया जाता है जो कोई कार्य करने के लिए हमें आवश्यक हो. आइए एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं. इसमें कहा गया है ही नीड्स माई हेल्प, उसे मेरी सहायता की ज़रूरत है. यानी कि यह काम करना ज़रूरी है, उसे कोई काम करना है, उसके लिए उसे आपकी हेल्प चाहिए, तो आपकी हेल्प करना उसके लिए ज़रूरी है.
आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. इसमें दिया गया है ही नीड्स टू गो देयर, यानी कि उसे वहाँ जाना चाहिए, यानी कि उसका वहाँ जाना ये एक टाइप का एक्शन है, तो उसका वहाँ जाना ज़रूरी है. तो जहाँ भी नेसेसरी की बात हो आप वहाँ नीड का यूज करिए. आइए नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं. हमारी जो नेक्स्ट कंडीशन है वो है नीड प्लस नॉट प्लस हैव. तो इसका यूज हम कहाँ करते हैं? दिस फॉर्म इज यूज्ड फॉर एन एक्शन विच वॉज नॉट नेसेसरी बट वॉज परफॉर्म्ड. गाइज ध्यान दीजिएगा, विच वॉज नॉट नेसेसरी बट वॉज परफॉर्म्ड, यानी कि जो कार्य करना ज़रूरी नहीं है पर फिर भी किया गया हो. आइए एग्जाम्पल से इसे और अच्छे समझते हैं. आपका जो एग्जाम्पल है वो यह है, यू नीड नॉट हैव गॉन देयर, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी. यानी कि आपको किसी, मान के चलिए आप किसी शादी में फंक्शन में आप जा रहे हैं, आपके एग्जाम्स लगे हुए हैं आफ्टर 2 दिन बाद, आप फिर भी वहाँ जा रहे हैं. तो यानी कि हम कह सकते हैं कि आपका वहाँ जाना कोई ज़रूरी नहीं है पर आप फिर भी वहाँ गए. तो जब भी ऐसी बात हो कि आपका कोई कार्य करना ज़रूरी ना हो पर आप फिर भी करें, तो वहाँ पर इस फॉर्म का यूज करेंगे, नीड प्लस नॉट प्लस हैव. तो ये थे गाइज हमारे नीड के यूज. नीड के सिर्फ दो ही यूज हैं, एक जहाँ कोई फंक्शन यानी कि कोई एक्शन करना ज़रूरी हो वहाँ पर हम नीड का यूज करते हैं, और जहाँ कोई एक्शन अननेसेसरी हो पर फिर भी परफॉर्म किया गया हो तो हम नीड प्लस नॉट प्लस हैव का यूज करते हैं. आइए अपने अगले यूज पर चलते हैं. हमारा जो अगला यूज है वो है यूज ऑफ मस्ट का. तो आइए इसे हम कंडीशन से समझ लेते हैं. इसकी जो पहली कंडीशन है वो है कंपल्शन की, यानी कि बाध्यता. बाध्यता यानी कि आप किसी कार्य को करने के लिए बंधे हुए हैं, एक टाइप से आप कह सकते हैं कि आप ना चाहते हुए भी आपको वह कार्य करना पड़ेगा. आइए हम इसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं. हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो है, कार मस्ट नॉट बी पार्क्ड इन द फ्रंट ऑफ गेट. यानी कि कहा गया है कि कार को यानी कि गाड़ी को हम गेट के सामने पार्क नहीं कर सकते हैं, यह है हमारी बाध्यता है, आप चाहते हुए भी उसके सामने नहीं कर सकते. आइए हिंदी के एग्जाम्पल से और बेटर तरीके से समझ लेते हैं. मान के चलिए कि आप कहीं बाहर घूमने गए हुए हैं और बाहर कोई अच्छा घूमने का एरिया है, मान के चलिए कोई पार्क है, आप वहाँ घूमने गए हुए हैं पर वहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया गया है कि आपका अंदर आना वर्जित है, यानी कि आप अंदर नहीं आ सकते. तो यह एक प्रकार की बाध्यता हो गई कि आप चाहते हुए भी वहाँ नहीं जा सकते, तो इसे हम कंपल्शन कहेंगे. और जहाँ भी कंपल्शन की कंडीशन आती है वहाँ पर हम माइट का यूज करते हैं. आइए इसके नेक्स्ट कंडीशन को समझ लेते हैं. यहाँ पर जो नेक्स्ट कंडीशन है वो है स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन, यानी कि प्रबल नैतिक कर्तव्य. आइए इसे एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर करते हैं. यहाँ पर दिया गया है, सोल्जर्स मस्ट ओबे ऑर्डर्स विदाउट क्वेश्चन, यानी कि जो सैनिक होते हैं उन्हें बिना कोई प्रश्न पूछे अपने कार्य को बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए या आज्ञा का पालन करना चाहिए. ऑब्लिगेशन मीन्स होता है दोस्तों कर्तव्य. कर्तव्य यानी कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जहाँ पर इसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो यानी कि वहाँ करना ज़्यादा ज़रूरी हो, लाइक 100% देना कि आप कुछ पूछ नहीं सकते, आपको वह कार्य करना ही पड़ेगा. तो ए हुई हमारी मस्ट की सेकंड कंडीशन. आइए और कंडीशन देख लेते हैं. थर्ड जो है वो है फिक्स्ड डिटर्मिनेशन. फिक्स्ड डिटर्मिनेशन मीन्स होता है दृढ़ता. तो आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं. इसमें दिया गया है, वी मस्ट गो, मतलब हमें जाना चाहिए. तो यहाँ दृढ़ता मतलब आप कह सकते हैं कि आपको यह कार्य करना ही है, यह हमारी डिटर्मिनेशन है यानी कि दृढ़ता है. दृढ़ता मतलब कोई कार्य आपको करना ही है, या आपने यह सोच लिया है कि मैं ऐसा करूँगा या मैं वहाँ जाऊँगा, और वो आपकी फिक्स भी हो यानी कि उसमें 1% भी कोई पॉसिबिलिटी या डाउट ना हो. आइए अगली कंडीशन देख लेते हैं. अगली कंडीशन है ड्यूटी. ड्यूटी और ऑब्लिगेशन दोनों एक जैसे ही होते हैं, यानी कि किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई कर्तव्य निभाना. इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. एवरीवन मस्ट डू दिस, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को यह कार्य करना चाहिए, यह मतलब अच्छा कार्य करना चाहिए. तो यह हर व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. आइए अगले एग्जाम्पल समझ लेते हैं. अगला जो एग्जाम्पल वो है सर्टेनिटी का. सर्टेनिटी है मतलब किसी कार्य को लेके निश्चितता होना कि हाँ मुझे यह करना है, यह निश्चित है. इसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं. एग्जाम्पल दिया गया है, वी मस्ट विन दिस मैच, यानी कि हमें यह मैच जीतना है, यानी कि इसमें निश्चितता होनी चाहिए कि हमें यह जीतना है, इसमें 1% डाउटफुल कंडीशन नहीं आनी चाहिए.
तो जहाँ भी बात सर्टेनिटी की हो वहाँ हम मस्ट का यूज करेंगे। आइए अगला यूज देख लेते हैं। आइए मस्ट के नेक्स्ट यूज को देखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट यूज है वो है रिटर्न ऑर्डर ऑन और इंस्ट्रक्शन, यानी कि कोई आदेश जो हमें लिखित में दिया गया हो या फिर कोई भी निर्देश जो हमें ऑन द पेपर लिखकर दिया गया हो। इसे एग्जांपल से समझते हैं। इसका एग्जांपल जो है एम्प्लॉयज मस्ट बी एट देयर डेस्क बाई 10 PM, यानी कि एम्प्लॉयज़ को अपनी डेस्क पर यानी कि किसी भी मीटिंग में या कहीं जाना जहां उनका कंपलसरी हो, लाइक मीटिंग होती है तो बॉस द्वारा यह बताया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप इतने टाइम यहां पर उपस्थित होने चाहिए। तो वही बात इस एग्जांपल में कही गई है कि एम्प्लॉयज मस्ट बी एट देयर डेस्क बाई 10 AM और यह रिटर्न होना चाहिए। रिटर्न ऑर्डर यानी कि आप किसी चीज़ को ऑन द पेपर लिखकर आदेश देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो वहाँ पर हम मस्ट का यूज करते हैं। तो ये तो हुए दोस्तों आपके मस्ट के यूज। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। इसमें पहला था कंपल्शन। कंपल्शन यानी कि बाध्यता, यानी कि आपको कोई कार्य ना चाहते हुए भी करना हो। स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन यानी कि प्रबल नैतिक कर्तव्य, यानी कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसमें स्ट्रांगनेस हो, यानी कि आपको वह करना ही है। फिक्स्ड डिटर्मिनेशन यानी कि निश्चित दृढ़ता, यानी कि आपकी इस कार्य के लिए दृढ़ता है। ड्यूटी यानी कि ऑब्लिगेशन यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर्टेनिटी यानी कि निश्चितता कि किसी कार्य को करने के लिए आपकी निश्चितता अगर आपको दिखानी है तो आप वहाँ पर मस्ट का यूज करेंगे। और जो आपका लास्ट वर्ड था वह था रिटर्न ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन, यानी कि लिखित दिए हुए आदेश या फिर निर्देश। आइए आज का अपना आखिरी यूज देख लेते हैं कि हमारा आखिरी यूज किसका है। तो आप यहाँ देख पा रहे हो जो यूज है वह है part-2 का। आइए part-2 के यूज को अच्छे से समझ लेते हैं। इसका भी यूज दोस्तों मोरल ऑब्लिगेशन के लिए किया जाता है, जैसे कि मस्ट का यूज स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन यानी कि उसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होना, और जहाँ पर बात हो मोरल ऑब्लिगेशन की यानी कि आप कह सकते हैं इसमें मेंशन नहीं है कि यह स्ट्रॉन्ग हो या फिर लेस हो। तो जहाँ पर बात ऑब्लिगेशन की हो और आपको प्रेफरेंस देनी हो तो आप मस्ट का यूज करें दोस्तों। और ought-to का भी यूज कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है। तो आइए इसकी पहली कंडीशन हम देख लेते हैं। पहली कंडीशन है मोरल ऑब्लिगेशन। इसको एग्जांपल समझते हैं। वी ought टू लव आवर कंट्री, यानी कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। अपने देश से प्रेम करना भी एक नैतिक कर्तव्य ही है दोस्तों। आइए इसकी अगली पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, यानी कि अगली कंडीशन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, यानी कि जहाँ पर किसी कार्य के होने की ज़्यादा संभावना होना, यानी कि कोई कार्य 100% है तो आपको यह लग रहा है कि 80% हो सकता है, बट नॉट फॉर 100%। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। वी ought टू विन द रेस, यह रेस हमें जीतनी है। आपको नहीं पता है कि आप जीत सकते हो या नहीं जीत सकते हो, पर आपको संभावना लग रही है कि आप ही जीत सकते हो। अगले यूज को देख लेते हैं। अगला है एडवाइस। अगर आपको किसी को एडवाइस देनी है तो आप वहाँ पर ought-to का यूज करेंगे, जैसे कि वी ought-to रीड द गीता, यानी कि आप किसी को अगर एडवाइस देते हैं कि आपको गीता पढ़नी चाहिए तो आप वहाँ पर ought-to का प्रयोग करेंगे। आइए हमें अपनी नेक्स्ट कंडीशन यानी कि यहाँ पर एक नोट दिया गया है उसे समझ लेते हैं। इन द अबव कंडीशन वी कैन ऑल्सो शुड इन प्लेस ऑफ फ्यूज टू, यानी कि जहाँ जहाँ हम ये हमारी जितनी भी कंडीशन दी गई हैं जैसे मोरल ऑब्लिगेशन, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, एडवाइस, यहाँ पर हम ought-to की जगह शुड का भी यूज कर सकते हैं। दोनों ही गलत नहीं होगा दोस्तों, आप ought-to भी यूज कर सकते हैं और शुड भी। आइए एक और यूज रह गया है दोस्तों, वो है डेयर का। डेयर की सिर्फ एक ही कंडीशन है, जैसे कि चैलेंज। चैलेंज का मतलब आप समझते ही दोस्तों। आइए इसे एग्जांपल के साथ अच्छे से समझ लेते हैं। ही डेयर्ड टू कॉल मी अ फूल, मतलब कि आप किसी को चैलेंज दे रहे हैं कि आप मुझे फूल यानी कि मूर्ख कहकर दिखाइए। तो यह एक प्रकार का चैलेंज हुआ दोस्तों। और इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मान के चलिए आपके कॉलेज में एग्जाम है या फिर स्कूल के एग्जाम है और आपके टीचर्स ने आपको चैलेंज दिया हुआ है कि आप यह एग्ज़ाम पास करके दिखाइए। तो जहाँ पर भी चैलेंज की कंडीशन आएगी वह हाँ हम डेयर का यूज करेंगे। गाइस तो ये रहे हमारे सारे यूज। अपनी आने वाली वीडियोज में हम इनकी एक्सरसाइज पर डिस्कशन करेंगे। और आपको जहाँ जहाँ भी कन्फ्यूजन हो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके सारे
डाउट्स को क्लियर करूँगी। और जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही हो, जिस यूज में आपको लग रहा हो कि यहाँ पर इस कंडीशन, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हमने ऑट टू में देखा और शुड में देखा कि मोरल ऑब्लिगेशन के लिए हम शुड का भी यूज कर सकते हैं और ऑट टू का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको इनको डिफ्रेंशिएट करने में भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं अपनी आने वाली वीडियो में इन सभी को डिफ्रेंशिएट करके अलग अलग समझा के आपको अच्छे से क्लियर कर दूँगी। तब तक के लिए दोस्तों इस चैनल पर बने रहिए, थैंक यू सो मच।